सदर जिले के बोईसर में जनधन योजना के अंतर्गत बैंक का खाता खोलने के नाम पर आदिवासी महिलाओं से लूट। बोईसर पूर्व के बेटे गांव में पिंक सिटी बिल्डिंग में जनधन योजना अंतर्गत खाता खोलने के नाम पर हजारों महिलाओं से 210 रुपए प्रति खाता खोलने के नाम पर ग्राहक सेवा केंद्र में गरीब आदिवासी महिलाओं से लूट मची हुई है। बोईसर पूर्व के भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में खाता खोलने के नाम पर आदिवासी महिलाओं से लूट मची हुई है, जबकि जनधन योजना अंतर्गत जो खाता खोला जा रहा है वह अकाउंट फ्री में खाता खुलता है, लेकिन ग्राहक सेवा केंद्र में एक खाता खोलने के नाम पर 210 रुपए लिया जा रहा है। जब लूटपाट की खबर समाज सेवक नीलेश विचारे और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हर्षद लोखंडे तालुका पदाधिकारी ओमकार सोनवले यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष शिवसेना कार्यकर्ता इलियास पठान बीजेपी कामगार अघाड़ी अध्यक्ष महेश धुड़ी इत्यादि लोगों ने ग्राहक सेवा केंद्र पर आदिवासियों के साथ हो रही लूटपाट को रोका और समाज सेवक नीलेश विचारे ने भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोईसर ब्रांच के मैनेजर को हो रहे लूटपाट की विस्तृत से जानकारी दिया और मैनेजर ने कहा कि जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए जीरो बैलेंस में खाता खोला जाता है। सर बताइए, जो जनधन योजना का खाता खोला जा रहा है उसमें क्या चार्जेस लिया जा रहा है? चार्जेस नहीं लेते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट है। लेकिन आपके द्वारा फ्रेंचाइजी दिया गया है वो 210 रुपए चार्ज ले रहा है, उसके बारे में अगर ले रहे हैं तो गलत है। इनके बीसी के थ्रू बात करके हम इसका इंक्वायरी करेंगे, अगर ऐसा पाया गया तो इनका बीसी का लाइसेंस भी कैंसिल होगा। ये आदिवासी क्षेत्र है यहाँ पे? नहीं, ये बीसी इसलिए प्रोवाइड किया जाता है उसके एरिया का, जो दूर रहते हैं वो नहीं जा पाते तो उनको एक हेल्प प्रोवाइड करने के लिए सारा रहता है। तो ये जो ले रहे हैं ये गलत है, अगर ऐसा कुछ है तो इनको रिफंड करना पड़ेगा और ये बिल्कुल गलत है। तो ये जनधन का जो खाता रहता है वो जीरो बैलेंस अकाउंट, तो कोई चार्ज नहीं है। अभी ये जो मनीष जी जैसे आपकी आपकी बात हो गई, मतलब आप वो जो सामने से बात कर रहे हैं कि ऐसा पैसा लेना ही पड़ता है, तो ये सही है कि गलत है? ये तो गलत है। लेकिन आपके जो बगल में जो खड़े जिनके माध्यम से जो अभी अकाउंट खोले जा रहे हैं उनके पास से 210 रुपए अभी इधर के महिला का जो आज अभी तक पैसा लिया गया, तो इसका क्या है? इसका तो वही कहा कि इसको लिस्ट बना करके इनको अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। और अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया गया तो उसका क्या है? नहीं जमा होगा सर, ये सब अकाउंट में लिस्ट बनेगा और सब जमा होगा, सबके खाते में जमा, जितना खाता खुला है, जिसका खुलेगा नहीं खुलेगा उसका भी हम रिटर्न खोल के देंगे, दूसरी बार वापस खोलते हैं, उसका चार्जेस नहीं लेते हम लोग। लेकिन जो अभी जो अकाउंट खोला जा रहा है तो उसका उनको रिसीट देना जरूरी है कि नहीं है? रिसीट जरूरी है। मैं रिसीट नहीं दे रहे तो उसका रीजन क्या है? वो फॉर्म फिल अप अकाउंट में अभी ज्यादा है ना, तो उसका रिसीट निकलता है, ये रिसीट देना जरूरी है। लेकिन इन्होंने अभी रिसीट नहीं दी है, वो बोलते हैं कि रिसीट हमारे पास नहीं है। नहीं नहीं, तो उसका रीजन क्या है? अभी अभी सर अवेलेबल नहीं हो रहा है ना इसके लिए, बाकी देते हम लोग रसीद, देते हैं कस्टमर को रसीद देते ही है। क्योंकि आपके बैंक का जो मीडिएटर है मनीष जी, उन्होंने जो अभी स्टेटमेंट दिया ये सही है कि गलत है? लेकिन उसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए ये हम अपने डिपार्टमेंट में बात करेंगे। अभी उसके बाद तो जो भी है अगर गलत हो रहा है तो फिर एक्शन लिया जाएगा, उनका लाइसेंस वगैरह वो जमा करवा देंगे, उनसे आप लिस्ट दिला दीजिएगा। नहीं नहीं, फॉर्म भरेंगे ना, अकाउंट खुल चुके हैं और अगर जिन्होंने पैसा दिया अभी दो दिन तक अकाउंट में जमा हो, वो जमा होता ही है। लेकिन मनीष जी को आपके ब्रांच में बुला के हमें उसको उसके साथ पूछताछ करनी है, उनका भी हमको मतलब स्टेटमेंट लेना है। पेश है पालघर ब्यूरो चीफ इलियास पठान की यह खास रिपोर्ट। खाता को जो अकाउंट खोल रहे हैं कितना पैसा ले रहे हैं लोगों से? 210 रुपए। 210? नहीं, आपको गवर्नमेंट से कहा गया, बैंक से कहा 210 रुपए लेने के लिए, उसमें 150 रुपए खाते में जाएगा। 150 खाते में जाएगा तो आप इनको कोई पावती दे रहे हो? उसका पावती तो अभी पासबुक ही नहीं है बैंक में, तो आप पैसा ले रहे हैं सब प्रूफ? इसमें हमारे पास सब रिकॉर्ड है उसका। आपके पास रिकॉर्ड? इनके पास रिकॉर्ड क्या है? इनके पास हम लोग कागज पे लिख के दिया है खुद, इनके पास फॉर्म, हम लोग फोन करके इनको पासबुक के लिए बुलाते हैं, एटीएम चालू करते हैं इन लोगों का, इधर ही सब। इन्होंने 210 भरा, इनका आपने प्रूफ क्या दिया? इनको क्या दिया है, लिख के क्या दिया आपने? कैसे पावती दे रहे? कागजात लेने दे रहे? नहीं नहीं, यूं नहीं दिया, एंट्री है एक सैंपल दाखो हमारे। डायरी तुम्ही पान फाडू शकता? ज्यांच्याकडे प्रूफ काय ना, ते गव्हर्नमेंट प्रूफ काय, लीगल प्रूफ काय तुमच्याकडे? चार वर्ष झाले सर। लीगल प्रूफ काय ते मला सांगा, चार वर्ष झाले का पाच वर्ष झाले? त्यांना
आज लोग 10-10 वर्ष धंदे टाकता पड़ू जता खाऊ ना तुम्हें लीगल प्रूफ यहां का दिल है पावती का दी लीगल तुम्हें दाखवा आम गवर्नमेंट प्रूफ कि बैंक प्रूफ पावती तुम्हें फिर नंबर लिखन दिला 52-53 नंबर मोबाइल नंबर लिखन दिला तुम्हें दाखवा जरा एक मिनट ताई200-200 भरा इनका प्रूफ क्या है आपको 210 रुपया दिया खाते में जाएगा खाते में जाएगा आप बोलते नहीं क्या खाते में तो इनकी फसल नहीं गोष्ट है का फसवणूक पण होऊ शकते आणि काय तुम्ही सांगता पण यांच्याकडे प्रूफ काय त्यांच्या खात्यात पैसे जाणार प्रूफ काय पण तुमच्या काय लीगल प्रोसिजर असणार ना मग का देत नाही मग आता तुम्ही बंद करा यांना लीगल तुम्ही द्या काहीतरी तुम्ही हे प्रूफ नाही मग उद्या उठून तुम्ही आज वर्षी पण पैसे भरले आहेत ना पैसे भरत नाही या लोकांनी 210 रुपये मग यांच्या प्रूफ काय हे तर कोणी पण लिहून देणार मी पण यांना लिहून देणार तुमची 53 नंबर आहे मोबाईल नंबर मी पण लिहून देणार पण यांची सिक्युरिटी काय पैशाची यांची सिक्युरिटी काय तुमच्याकडे काय ते माहित नाही तुम्ही आता 210 रुपये घेतले फक्त या कागदावर उद्या उठून तुम्ही सांगणार का नाही मग पासबुक भेटते मग तुम्ही अजून दिली नाही मग लीगल प्रोसिजर तुम्ही लीगल प्रोसिजर चालत नाही मग तुम्ही थांबवा तुमच्याकडे बँकिंग दिलं तुम्हाला पावती दिली रिसिप्ट काय दिली तुम्ही पैसे घ्या आणि नंतर यांना द्या ते पण होते ते बरोबर थकले होते इकडे पासबुक तुम्ही थांबवा ना एवढं तुम्हाला अर्जंट घ्याय काय जो स्टेट बैंक की मैडम आई थी मैनेजर उनको बुलाइए ना वो आ सकते क्या अभी तुम्ही इकडे खाता उघडा तुम्ही किती पैसे भरले तिकडे 210 तर पार्टी वगैरे तुम्हाला काय दिले काय दिलं तुम्हाला काय सांगितलं तुम्हाला या लोकांनी बुक भेटल म्हणजे बँकेमध्ये का नाही दिलं त्या मग तुम्हाला काय लिहून वगैरे दिले त्यांनी काय दिलं नाही मग काय नाही दिले आणि 210 रुपये गेले तुमच्याकडनं